पर भी बस ओके कर दिया, सेटअप कर दिया, जबरदस्त हो गया ना। मोती प्योर नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी हो, आना आपको बता दूं कि आज क्या रेट चल रहा है। ये भाई 20 वाले चिप्स ज्यादा चलने वाले हैं और दाल भी हम ये 20 वाले लेके आए हैं, 5 रुपए चलने वाला। कितने का? 10, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 रुपए का माल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होकर रहोगे। आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। यार मुझे यहाँ पर एक बहुत मसला है, यहाँ पर जितना भी चाहूँ उसको दबाने की कोशिश करूँ लेकिन फिर भी नहीं दबता। वो कैसे, कौन सा चीज दबाने की कोशिश करता हूँ? यार एक चूहा यहाँ पर हमें बहुत तंग कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे उसके दवा भी उसको दे दिए फिर भी नहीं, और उसके बाद बहुत सारे हैं ऐसे, समझ के 2-3 हमें पहले ही पकड़ कर मार दिए थे, मार नहीं दिए फेंक दिए थे। उसके बाद दूसरा जो बड़े चूहे हैं वो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। वो इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे पास अभी ये आप देख रहे हैं डिवाइस वगैरह नीचे उतरे हुए हैं, और उसके बाद ये नेट का तार है, ये इसमें फाइबर का तार छोटा सा लगा हुआ है, जो ये फाइबर का डिवाइस हमारे पास मौजूद है, तो इसमें ये तार डालते हैं तो ये चलता है। इसका जो हम न्यू लेके आए थे, लेकिन इसकी चार्जर का ये हाल देख लें, आज फिर से ये काट के गए थे, तो हमें दूसरा तार वहाँ से काट कर इसको जोड़ना पड़ गया। और ये हमने ये मरूडा ले रहे हैं, 5 रुपए चलने वाला। कितने का? 10, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 रुपए का माल है। हमें ये 80 रुपए या 85 रुपए मेरे ख्याल में 80 रुपए में देके गया था। 40% कमाई है, 5 रुपए 40% कमाई है भाई, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये चीज़ आपको रखना है, चल जाएगा, कोई मसला नहीं। एक हम खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे भाई, फिर भी क्या फ़ायदा तो होगा? 20% तो कमाई, वैसे तो 20% कमाई मिलती है, लेकिन इसमें 40 से चलता है, ऐसा नहीं है चलता। तो ये दूसरा मैंने टेंडा लगाया हुआ है, ये मैंने पहले लिया हुआ था मोबाइल के डेटे के ज़रिए, मैं वाईफाई के ज़रिए इसको मैं सिग्नल ये वहाँ कैचअप करता था, उसके बाद इस यहाँ से लीड निकाल कर हम डिवाइस को देते थे, उसको सॉरी क्या कहते हैं DVR को, तो हमारा कैमरा ऑनलाइन चलता था। लेकिन अभी हम यह करते हैं कि इससे डायरेक्ट तार निकाल कर DVR को देते हैं और ये सिग्नल इससे लेता है। तो यहाँ पर कुछ हमें बंदे तो तंग करते हैं, तो उसको हमने 1-2 को हमने जो इस तरह पासवर्ड वगैरह दिए हुए तो टेंडा से देते हैं, डेंडा से हम लिबर्ट भी उसको दे सकते हैं, तो कम स्पीड दे कर देते हैं, तो हमें ये ज़्यादा नहीं होता। ये मैन हम किसी को नहीं देते, ये बस सिर्फ हम मेरे को लगा हुआ है, उसके बाद ये टेंडा बस 1-2 बंदा जो तो क्लोज बंदे हैं तो उसको मैंने दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मसला कर रहा है। चूहे हमें बहुत सारा सता रहे हैं, तार एक बार ये तार सारा ख़राब हो गया था, अभी इसको मैंने टैप सॉल्यूशन लगा दिए, मैंने कहा टैप सॉल्यूशन लगा दूँ कुछ ना कुछ बचा हो जाए, या ऐसे करता हूँ इसको किसी और जगह पर लेके जाता हूँ, वहाँ से DVR को मैं देता हूँ। तो ऐसे करता हूँ, ये मुझे एक चीज़ बता लें, ये ऊपर जो पड़े हुए हैं आपके सारे चिप्स हैं, 5 साल हैं, 10 साल हैं, 20 साल हैं, 20 साल भी हैं, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा 20 साल चल रहे हैं। वो क्यों 20 साल कितने में दे रहे हैं? ये मैंने कल लेके आया था 20 साल, ये भाई 20 साल चिप्स ज़्यादा चलने वाले हैं और दाल भी हम ये 20 साल लेके आए हैं, कल हमने कल रख के देते हैं 10 साल भी, या 10 साल ये तो पड़े हुए हैं ना, ये भी 10 साल, 5 साल का सिस्टम बस खत्म होता जा रहा है। अभी कुछ चल रहे हैं आइटम, नहीं तो बस 2-3 दिन आगे चलकर ये हम 5 साल सिस्टम ही खत्म कर देंगे और कंपनी भी बंद कर देगी। कितने हुए आपके? मेरे हो गए 180। क्यों? 90 रुपए का है कि पिछले बार 80 रुपए दे के गए थे? 90 का दे गया, देखो भाई 80 रुपए दे के गया था, मैंने खुद पैसे दिए, आपने कहा 80 रुपए, मैंने कहा ठीक है रख ले, और दूसरा बंदा आया था मुझे देने के लिए, वो भी मुझे 80 रुपया कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि 90 रुपया 10 रुपए का यहाँ पर करेक्शन। जी 160 रुपया हो गया, 160 रुपये निकाल के दो, बस ऐसे नहीं किया करे हमसे यार, नहीं किया करे, और दूसरे बंदे से यहाँ से आपको यहाँ देखे ना सिटी नज़दीक है, आपको पेट्रोल इतना नहीं जलता होगा, आगे जाओगे आगे जाकर पेट्रोल के पैसे निकाल दिया करो। तो भाई हम इसको सेट कर दें सबसे पहले, तो कल हमने बहुत सारे माल मंगवाए थे, हमारे सुपर हमने ये मंगवाया था लेकिन शार्ट था, फिर हमने 30 साल हमें 132 रुपये में पड़ा, 332 रुपये ना, वो पीछे खड़ा होगा पकौड़े वाले उसके पास होगा, तो टी टेम भी हमारे पास पड़े हुए, लेमन हमारे 20 वाले,
ये भी हमें मंगवाया 300 रुपये दे रहे हैं, यहाँ पर कम दे रही है। पहले पर शार्ट बहुत ज़्यादा शार्ट था माल, उसके बाद माल आया तो अभी आए हैं हम। ये 20 देखे ना, ये हमारे पास तरंगीर पड़ा हुआ है, तो ये हम नीचे वाले एक्सपायरी 19 तारीख को है, मतलब कि अभी थोड़े टाइम पड़ा हुआ है, तो हम ये चला रहे हैं। बड़े वाले हमारे पड़े हुए हमने फ्रिज में ही छुपा दिए हैं। ये देखें, कोई कस्टमर वापस जाता है तो उसको हम बड़े वाले देते हैं, नहीं तो हम छोटे वाला निकाल करके एक्सपायर से बचने के लिए जैसे निकाल हो जाते तो हम बाहर निकाल के देंगे। कोई कस्टमर कहता नहीं हमें बड़े वाला ये छोटे वाला चाहिए भी नहीं तो हम उसको दे देते हैं। अब इसका मैं देखता हूँ, इसका आज बंदोबस्त कर लेता हूँ। पहले इन लोगों का फेबर भूषण किसका नाम का एक कंपनी था लोकल, तो उससे ये हमें सप्लाई करते थे वाईफाई, तो ज़बरदस्त चलता था, स्पीड भी ज़बरदस्त थी। लेकिन एक चीज़ उसकी ये थी, जब वो आधा आधा घंटा 3-4 घंटा बंद हो जाता था, तो इसलिए उन लोगों ने ज़ोंग से दिया वायदा, उससे ख़त्म करके ज़ोंग से दिया है। तो वहाँ पर हमें 18+ स्पीड दिया था, MBPS दिया जाते, लेकिन ज़ोंग हमें 8 से ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो स्पीड में भी बहुत फ़र्क है। हमने कहा यार स्पीड बढ़ा के देना, ये क्यों सोचिए, जैसे यार ये इजेक्ट दे रहा है। मैंने कहा भाई वो कंपनी है, ये कंपनी है, दोनों ही कंपनी है, लेकिन इसमें स्पीड नहीं है, उसमें स्पीड है, आप ऐसा नहीं करें, नुकसान कर दिया क्या बच्चा? ये तो देखते हैं आज सुबह का टाइम, कल शाम का टाइम वो दूसरा चल रहा था, ज़बरदस्त चल रहा था, आज सुबह का ज़ोंग चल रहा था, ज़ोंग तो देखते हैं, ज़ोंग इतनी स्पीड नहीं है, तो या हम उससे महसूस अनलिमिटेड हमें डाउनलोडिंग दे रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि हमें लिमिट दे 600 डाउनलोडिंग दे या 700 दे, तो हमें स्पीड MB बढ़ा के दे, 50 MB का लेंगे 600, हम इतना ज़्यादा कब जब भी शॉप में होते हैं तो ये यूज़ करते हैं, नहीं तो बस यूज़ नहीं करते। आना आपको बता दूँ कि आज क्या रेट चल रहा है, ये 9400 रुपये पेटी चल रहा है ये छोटे वाला आना, ये देखें 9400 रुपये पेटी चल रहा है ये छोटे वाला, 50 ग्राम से भी कम है, तो अब हिसाब लगा लें 9400 रुपया 30 पेटी में होते हैं तो 313 रुपया हमें दर्जन पड़ रहा है, और उसके बाद हमें कितने 26 रुपया 11 पैसे मतलब 27 रुपया हमें पड़ रहा है। हम यहाँ पर 30 रुपया भेज रहे हैं, 30 रुपया हमें 3 रुपया बच रहा है, ये छोटा वाला अंडा इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ये मेरी बिस्कुट का भी हमने कार्टून मंगवा लिया, और उसके बाद कुल्लू को भी हमने कार्टून मंगवाया था, और स्पेशल वगैरह भी हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर हमने ये गिलू मंगवाया था दराज से चूहे को पकड़ने के लिए, ये गिलू इसमें कुछ हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ वो छोटे वाला चूहा सामने देख लें आपको नज़र आ रहा होगा पकड़ा हुआ है वो सामने, छोटे वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, बड़े वाले नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम छोटे वाले पकड़ रहे हैं क्योंकि गिलू इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कम हो रहा है। भाई घी का आज का रेट आपको मैं बताता चलूँ कि ये देखें हम घी के इस तरह के ढक के जाते हैं, ये इस तरह का ऊपर, क्योंकि अगर ये चूहा नुकसान करके टुक टुक के करके जाता है, तो भाई हम ये आपको बता लूँ 5000 रुपया कार्टून है, 48 पीस होते हैं, और उसके बाद 120 रुपये चलाते हैं, ये 3200 रुपये कार्टून है, 60 रुपये चलाते हैं, 60 पीस होते हैं, ये 130 रुपये 40 रुपये चलाते हैं, ये अभी इस वक्त 6000+ मिल रहा है पाव में, 500 रुपया कौन जी लीटर आधे लीटर में, ये लीटर में हमें इस वक्त 480 रुपये चला रहे हैं, तो हमें कितने में पड़ रहा है कार्टून 5500 रुपया कार्टून पड़ रहा है, जो 4150 रुपये पड़ता था, ज़्यादा महंगा हो गया, चलाते हैं हम 480 रुपया है। शहबाज भी बहुत ज़्यादा किलो का अभी 550 रुपया चला रहे हैं, 2700 रुपये हमें कार्टून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, सारे घ्यू इतने ज़्यादा महंगे हो गए, इतने ज़्यादा महंगे हो गए, आपको बताना चाहिए। भाई को दे दो, भाई पार्क करो, बिजली जा माशाल्लाह चली थी, तो ये माल नॉर्मल चलता है, इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चलते हैं, ये सेटिंग से पकड़ हम जो करते हैं, तो अभी ये सब दो उन्होंने लगाए हुए हैं, ये फजूल पड़ा हुआ था, तो हम सिग्नल सारे इसमें देते हैं। भाई कैसा चल रहा है नेट आपका? ज़बरदस्त चल रहा है, नहीं आएंगे ये महफूज हो जाएगा, ये तार को किस तरह महफूज, ये चूहे तो नुकसान तार के करते हैं, तार के करें तो बिजली वाली जो फिटिंग है वो लगाओ, एसी कहाँ से फिक्स करो, देखते हैं कोई ना कोई चक्कर करते हैं।
ये रख लो, ये कल मैंने ये छोटी का फीस दे के आया था 2000 का नलड़ी जो। उसका तार टच कर दो, सोलर वाला ऊपर वाला निकला हुआ है तो ऐसे नहीं है, वो कम हो जाए। ये भी कर ले भाई, इजोलेट वाला भी अभी इतना ज़्यादा चल रहा हो गया है आपको बता नहीं सकता है। ये बस बोतलों का माल ये पड़ा हुआ है और ये 1.5 लीटर में ये चिप्स पहले वाला पड़ा हुआ था, कल हमने जो माल मंगवाया था ये मंगवाया था। ये 20 वाला है, इसका मैं प्राइस अभी तक मैंने नहीं देखे हमें कितने ज़्यादा में प्राइस पड़ा या नहीं पड़ा। ये माल सारा पड़ा हुआ है, ये कल हमने चिप्स हमारे सारे ये मंगवाए थे। अभी ये गत्ता वगैरह हम रखते हैं तो हम बेचते हैं सबसे पहले, वैसे भी गत्ता रखना चाहिए भाई, 2000-3000-5000 रुपये तक आ जाते हैं पैसे। पंजा जो अटो, पंजा सर्फ। तो बस चीनी अभी इस वक्त हमें 5800 या 900 रुपये मिल रहा था, लेकिन अभी 6100 रुपये हो गया, चीनी फिर से बढ़ गई है। तो ये चावलों का आटा ये हमने रखा है, ये हमें 3600 रुपये मन पड़ा है, लेकिन हम कितने में चला रहे हैं, 100 रुपये चला रहे हैं, ये 90 रुपये चला रहे हैं और ये 100 रुपये चला रहे हैं, ये हमें चला रहे हैं 100 रुपये चला रहे हैं बाजरी, और ये चावल हम चला रहे हैं 180 रुपया, 160 रुपया पड़ता है, वजन भी कम होता है। ये हमें देने या काला वगैरह बिस्कुट भी हमारे पास ख़त्म है, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हमने मंगवानी है। तो भाई हमारे पास चलने वाला आइटम ये लहसुन, लहसुन ये 10 रुपये 3 पैक होते हैं, 10 रुपये चलाते हैं हम, ये 100-150 रुपये में अभी दे के जा रहा है वो सामने भाई, अभी 150 रुपये में दे के जा रहा है। तो ये हमारे पास पड़े हुए हैं, अभी लिया है मैंने 150 रुपये का, तो इसमें माल कितने का, 240 रुपया है। खुला हुआ हम नहीं लेते, तो इसलिए नहीं लेते कि यार बस ये पैकिंग है, पैकिंग बस 10 साल दे दिया बस, और झंझट वगैरह नहीं होता। तो ये वाह अजीना मोती है, ये अजीना मोती प्योर नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी हो अगर आप ये 10 रुपये चलने वाला आइटम है, लेकिन ये प्योर नहीं है, इसमें मिक्स हैं अंदर, जो प्योर खुला हुआ मिलता है ना वो बिल्कुल ही प्योर होता है। तो इसमें माल 200 रुपये का है, तो हमें कितने में पड़ता होगा भाई, ये हमें 100 रुपये में पड़ता है या 120 रुपये में पड़ता है, लेकिन भाई ने 20 रुपये डिस्काउंट किए तो 100 रुपया, 100 के ऊपर 100 रुपये कमाई है आपको। कोई ऐसा आइटम होता है जिसमें आपको आधी कमाई हो जाता है, किसमें आपको कम होता है, ऐसा नहीं कि आपको हर एक आइटम में आपको कमाई मिलेगा। जिस तरह का ये अभी हमारे पास घोगड़ा है, तो अभी इसमें माल 170 रुपये का हमें पड़ रहा है, 240 रुपये का माल है। तो ये भी इस तरह का सीन होता है, किसी में आपको कम, जिस तरह श्रीलंक वगैरह पे कम मिलता है। तो भाई मैंने अभी सेटअप वगैरह कर लिया, तो ये देख ले, ये मैंने सेटअप वगैरह जो भी था बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली, DVR यहाँ पर था लेकिन तार वहाँ से छिककर, तो ये देखें एक राउटर वो लगा हुआ है, दूसरा वो टेंडा वाला लगा हुआ है, मैंने वहीं पर भी बस ओके कर दिया, सेटअप कर दिया, ज़बरदस्त हो गया। मैंने यहाँ पर लगा ही दिया था, यहाँ पर रोशन ज़्यादा दिया करता है, लेकिन इस तरफ लगा हुआ था वो मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा फिर ये तार यहाँ से निकाल ली, इस तरफ जो लगा हुआ है वो सामने लगा हुआ है लाइट, ये कैमरा है, कैमरा को अभी सफाई करते हैं, यहाँ पर जो लाइट लगा हुआ है उसको ख़त्म करते हैं, तो इसी साइड हम लाइट लगवाते हैं। यहाँ पर 30 पीस होते हैं, 1750 रुपये के हिसाब से लगा ले हमें, दबा कितने में पड़ा, और 70 रुपये का माल है। इशारों का सामने हमारा सफाई कर रहा है, अजूबा लग रहा है। ये वाद गला चार्जर पे ऊपर रख दो, क्योंकि अगर सारा दिन चल जाएगा भाई, ये हमारे छोटे छोटे करते हैं बिस्किट वाले, तो ये हम रखते हैं, ये 15 रुपये किलो हम बेचते हैं, ये 15 रुपये किलो, और बड़े वाले जो कत्ते होते हैं वो 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, जो भी रेट होता है तो वैसे ही होता है। अभी मैंने कैमरा बाहर वाला कैमरा भी सफाई कर लिया, वो एक लाइट वहाँ पर लगा लिया, उस तरफ लगा हुआ था तो मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, और दूसरा जो हमारा लाइट ख़राब था वो ये वाला, ओ ये वाला, ये भी हमने ओके कर दिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट सारे ओके हो गए हैं, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पर रोशनी लाजमी होती है, क्योंकि बिजली नहीं होती तो जनरेटर हम चला के आते हैं, तो घर से तो यहाँ पर जनरेटर देते हैं तो ज़बरदस्त रोशनी वगैरह होती है, और उसके बाद बैटरी चार्जर इतना ज़्यादा नहीं चलता, घंटा या 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो ये लाइटिंग लाजमी है, लाइटिंग आपकी शॉप में जितना होगा, नहीं बोल गए, लाइटिंग जितना अपने शॉप पे होगा तो जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, शाम का टाइम लाइटिंग कम होगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने जनरेटर का भी सेटअप कर लिया, या मैंने कहा घर से यहाँ पर बिजली आ जाएगी, क्योंकि शाम का टाइम बिजली होती नहीं है, 1 घंटा चलती है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, तो सारा दिन नहीं चलता।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलाकर के ओके लग करें, जिसमें वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहा, तब तक मुझे खुदा हाफिज़।